हेलो दोस्त, विजडम जॉब्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम सैयद गोरी मोहम्मद। मैं अभी करंट अफेयर्स को प्रश्न और उत्तर के रूप में डिस्कस करने वाला हूं। अगला सवाल है, विच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैज़ बिकम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आंध्र प्रदेश एंटी करप्शन हेल्पलाइन। जो आंध्र प्रदेश की अभी जो प्रेजेंट सरकार है और आंध्र प्रदेश की सरकार करप्शन के खिलाफ लड़ रही है और पिछले जो सरकार में जो करप्शन हुआ था उसके खिलाफ लड़ रही है। अब ये करप्शन के खिलाफ लड़ रही है, अब करप्शन फ्री आंध्र प्रदेश को बनाना चाहती है आंध्र प्रदेश की जो प्रेजेंट सरकार जो है, और इसलिए करप्शन फ्री आंध्र प्रदेश को बनाने के लिए आंध्र प्रदेश की सरकार कई स्टेप्स और कई एक्शन ले रही है। उनमें से एक एक्शन हो गया कि ये स्पेशल एक सेपरेट हेल्पलाइन हो गया, हेल्पलाइन राइट, विच हैज़ बिकम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आंध्र प्रदेश एंटी करप्शन हेल्पलाइन। ये एंटी करप्शन हेल्पलाइन का ब्रांड एम्बेसडर के तरह किसको अपॉइंट किया राइट? यहाँ पर जो बैडमिंटन की जो फेमस और वर्ल्ड पॉपुलर फेमस पर्सनालिटी हो गई पीवी सिंधु, और ये पीवी सिंधु को अपॉइंट किया एपी का एंटी करप्शन हेल्पलाइन का एम्बेसडर के तरह, एंटी करप्शन हेल्पलाइन का एम्बेसडर के तरह बैडमिंटन जो प्लेयर है पीवी सिंधु को अपॉइंट किया एपी का गवर्नमेंट ने। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सिर्फ आंध्र प्रदेश में नहीं, कई राज्य में, भारत के कई राज्य में करप्शन ज़्यादा हो गया, जैसा आंध्र प्रदेश में पिछले गवर्नमेंट में हुआ था। आपका जो गवर्नमेंट है वो पारदर्शक पॉलिसी को अपना ला रहा है, पारदर्शक ट्रांसपेरेंस एक पॉलिसी बनाया, और क्षेत्र स्थाई से लेकर शिखर स्थाई तक, ग्रास रूट लेवल से लेकर उसका जनित जो होता है सेंट्रल लेवल तक, हर जगह एक ट्रांसपेरेंस पॉलिसी को बनाया आपका जो प्रेजेंट सरकार। अब प्रेजेंट सरकार ये करप्शन को हटाने के लिए, ये करप्शन सिर्फ एक स्टेट का इशू नहीं, पर ये एक नेशनल इशू बन गया, ये सिर्फ एक प्रोविंशियल इशू नहीं है, ये एक नेशनल इशू बन गया, और ये करप्शन को हटाने का प्रयास कर हो रहा है आंध्र प्रदेश में। इस करप्शन को हटाना चाहिए, इस करप्शन फ्री इंडिया को बनाना चाहिए, करप्शन फ्री इंडिया को बनाना चाहिए। ये करप्शन कैसा होता है, कई रूप में रहता है, जैसा कि जब टैक्स नहीं बनता वो वाइट मनी नहीं होता, उसको कहते हैं ब्लैक मनी। जितना भी अक्रम रूप में इलीगली जो इनकम जनरेट करते हैं और इनकम जो जनरेट करते हैं उसको ब्लैक मनी कहा जाता है, जो गवर्नमेंट के हिसाब में नहीं आता। और ये जो ब्लैक मनी क्या कर रहे हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन और बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज में ब्लैक मनी को इन्वेस्ट करते वाइट मनी के तरह कन्वर्ट करने का कोशिश किया जा रहा है, जैसा मूवी मेकिंग हो और जैसा कोई भी इंडस्ट्री हो, ना कोई फिल्म इंडस्ट्री, सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री नहीं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज, बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज है जहां पर ये ब्लैक मनी को इन्वेस्ट करते हुए वाइट मनी के तरह कन्वर्ट करना, ऐसा जो करप्शन हो रहा है, और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास भी करप्शन हो रहा है, और गवर्नमेंट ऑफिशियल ये क्या कह रहे हैं, एथिकल वैल्यूज़ के बगैर ये बहुत लोगों को परमिशन इशू करते हुए, और बहुत ट्रेडर्स को परमिशन इशू करते हुए, और जो जो फैक्ट्रीज के जो यजमानी होते हैं, और कई लोग जो गवर्नमेंट ऑफिशियल से टाई अप होते हुए और उनके कामों के लिए वो मजबूर हालत में पैसे देते हैं, और गवर्नमेंट ऑफिशियल बहुत सारे यहाँ पर करप्शन करते हुए बहुत सारे ये करप्शन को एंकरेज कर रहे हैं। ऐसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को हटाना चाहिए, एक ट्रांसपेरेंस सिस्टम लाना चाहिए, एक ट्रांसपेरेंस सिस्टम ऑफ गवर्नेंस लाना चाहिए, उसको कहते हैं गुड गवर्नेंस। और ये गुड गवर्नेंस के लिए हमें करप्शन फ्री इंडिया बनाना है, उस केवल करप्शन फ्री आंध्र प्रदेश ही नहीं, करप्शन फ्री इंडिया बनाना चाहिए। ये तो चीज़ हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप हमारे जो डिस्कशन में भाग लिया और हमारे जो चर्चा में आप लगातार सुनते रहे, और हमारी जो चर्चा को आप जारी रखने के लिए हमारा विजडम जॉब का जो चैनल है
उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे जितने भी वीडियोस आ रहे हैं जो करंट अफेयर्स के, हिंदू एडिटोरियल के और सब्जेक्ट ओरिएंटेड के, और हर किसी वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, राइट, हर किसी वीडियो को आप शेयर कर लीजिएगा और शेयर के साथ साथ कमेंट और लाइक भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।